तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटी गाइड। तो दोस्तों, आज मेरा जो है 6th हाउसन हुआ है, तो मैं आप लोगों को ब्रूडिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे, ठीक है। ये जो है अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो इस टाइम में चिक्स डालने पर जो है कैसा ब्रूडिंग करना चाहिए और ब्रूडिंग का क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, तो उस बारे में आज थोड़ा बताएंगे। और एक चीज़ जो मेरे बहुत सारे फार्मर भाई ने कमेंट कर रहे थे, जो भाई अगर स्क्वायर ब्रूडिंग करें तो उसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। हम लोग स्क्वायर ब्रूडिंग करें या राउंड ब्रूडिंग करें, ठीक है। ये ब्रूडिंग करने का जो कन्फ्यूज़न है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस बार जो किए हैं जो है स्क्वायर ब्रूडिंग किए हैं, ठीक है। बहुत सारे फार्मर भाई ने कमेंट कर रहे थे, जो भाई स्क्वायर ब्रूडिंग के बारे में थोड़ा बताइए, तो इसीलिए मैंने जो है इस बार स्क्वायर ब्रूडिंग किए हैं, राउंड ब्रूडिंग नहीं किया। क्योंकि मैंने जो है हर टाइम राउंड ब्रूडिंग करते थे, तो इस बार जो है किसी के रिक्वेस्ट पर जो है स्क्वायर ब्रूडिंग किए हैं। तो स्क्वायर ब्रूडिंग करके आप लोग को दिखाएंगे जो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, स्क्वायर ब्रूडिंग का एक प्रॉब्लम होते हैं जो है, जो ब्रूडिंग का कोना होता है, ठीक है, तो कोने कोने में चिक्स जाके इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है। तो यही एक स्क्वायर ब्रूडिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर चिक्स कोना में जाके इकट्ठा हो जाते हैं, तो नीचे वाला चिक्स जो है वो दब के मर जाते हैं, ठीक है। यही एक इसका प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सलूशन है। अब लोग अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को टेम्परेचर में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर आप लोग अच्छी तरह मेंटेन कर पाते हो, अगर ब्रूडिंग के टाइम में अगर आप लोग 30 से 35 डिग्री के टेम्परेचर में रख सकते हो, तो आप लोगों का ये प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मेरे चिक्स का कंडीशन देखिए, अभी जो है 5:30 बज रहा है, अब जो है मॉर्निंग होने वाले हैं, तो इस टाइम में ज़्यादा ठंड होते हैं, तो इसी टाइम में मेरा चिक्स आया है। तो देखिए, मेरा जो चिक्स है एकदम बिल्कुल फैला है, ठीक है, कोने में एक भी चिक्स नहीं है, ठीक है। पूरा रात ब्रूडिंग में जो है फैल के चिक्स दाना पानी ले रहे हैं, ठीक है। तो अब लोगों को टेम्परेचर दिखा देते हैं, जो मैं कितना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा देखिए 29 डिग्री टेम्परेचर अभी है। तो अभी अभी चिक्स आया है, तो इसीलिए जो मैंने साइड में पर्दा लगाते हैं तो लगाया नहीं, अभी जो है धूप निकल जाएगा, तो इसीलिए आज के लिए नहीं किए हैं, कल रात को लगाएंगे पर्दा को। अगर आप लोग टेम्परेचर को अच्छी तरह मेंटेन कर पाते हो, तो स्क्वायर ब्रूडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जो आप लोग राउंड ब्रूडिंग कीजिए। अगर राउंड ब्रूडिंग में क्या होते हैं, कोना नहीं रहते हैं, तो अगर थोड़ा टेम्परेचर कम भी हो जाते हैं, तो उसमें जो है चेक इकट्ठा होने का चांसेस नहीं रहते हैं, और चिक्स दब के मरते भी नहीं। तो स्क्वायर ब्रूडिंग और राउंड ब्रूडिंग का जो कन्फ्यूज़न था, मैंने क्लियर कर दिए है। तो इसके बाद आप लोग अपने से डिसीजन लीजिएगा जो क्या करना चाहिए, राउंड में आप लोगों का फ़ायदा होगा या स्क्वायर ब्रूडिंग में आप लोगों का फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर अगर सही से आप लोग मेंटेन कर पाते हो, तो स्क्वायर ब्रूडिंग कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो और एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा हीटिंग सिस्टम के बारे में बता देते हैं, जो क्या क्या हीटिंग सिस्टम लगते हैं और लगाते हैं। अभी तो ठंड आने ही वाले हैं, तो इसीलिए जो पहले से थोड़ा इंतज़ाम कर लिए हैं, क्योंकि ये तो नेक्स्ट लॉट से मेरे को लगाना ही था, तो एक लॉट पहले से लगा दिए हैं, ठीक है। तो क्या क्या लगाए हैं, ये जो है रूम हीटर का ट्यूब है, और ये जो है हैलोजन का ट्यूब है, ठीक है। एक एक ब्रूडिंग में मैंने दो दो लगाए हैं, तो एक एक ब्रूडिंग में मैंने करीब 700 करके चिक्स डाले हैं। तो फास्ट पानी जो लगाए हैं, उसमें लगाए हैं गुड़ और हल्दी, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो मैंने जो फास्ट पानी लगाते हैं, वो गुड़ और हल्दी का लगाते हैं, क्योंकि हल्दी जो है एक एंटीबायोटिक है, नेचुरल एंटीबायोटिक, और गुड़ जो है चिक्स बहुत दूर से आते हैं, तो उसमें जो थकावट हो जाते हैं, तो उसको दूर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए गुड़ और हल्दी मैं हर टाइम लगाते हैं फास्ट पानी पे। तो गुड़ हल्दी का डोज भी थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल में बहुत नया फार्मर भाई है अभी अभी, तो उन लोगों को पता नहीं, पिछले वीडियो में तो बताते हैं, इस वीडियो में भी बता देते हैं। तो 1000 चिक्स के लिए आप लोग 250 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम हल्दी के एक साथ पानी में घोल के आप लोग डिंकार में लगाइएगा। और कितना पानी में दीजिएगा,
पानी हम लोग 1000 चिप्स के लिए 10 लीटर पानी के हिसाब से आप लोग दीजिएगा। तो दोस्तों इतना ही था ब्रूडिंग मैनेजमेंट। मैं एक नया स्टाइल का इस बार ब्रूडिंग किए हैं, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम बढ़िया लगते हैं देखने में, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन ट्राई आप तभी कर सकते हो जब आप लोग टेम्परेचर कंट्रोल कर पाओगे, तभी आप लोग ट्राई करना, नहीं तो स्क्वायर ब्रूडिंग में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।